ये कितना प्यारा लग रहा है। ये फैमिली देखने आई मैं शेर की। जैसे गिफ्ट करना है या फिर अपने को होम डेकोरेट करना है ना, तो उन सब चीजों के लिए ये वाला सामान वो तो फाइनली अभी हम वहाँ सनसेट पॉइंट से घूम फिर कर आ गए हैं और अभी आए हम काना। तो यहाँ पे म्यूज़ियम है एक, बहुत अच्छी अच्छी से चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो देखते हैं क्या क्या, अगर कुछ अच्छा लगता है तो वहाँ से लेते हैं फिर। अपने लिए बाले वगैरह मिलेंगे क्या प्राची जी कुछ? हाँ कुछ अच्छा लगता है तो फिर। तो फ्रेंड्स अभी हम कान्हा के एक बहुत ही अच्छे शॉप में आए हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा सामान है, आप देख सकते हैं। तो एक एक करके आपको मैं सारा सामान दिखाती हूँ। कभी भी कान्हा आते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत प्यारा प्यारा सामान है यहाँ पे। जैसे ये है, हाँ हाँ, अरे की रिंग्स तो लेना ही है ना पापा के लिए। तो ये सारे सामान बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही, और लग रहे हैं इतने अच्छे हैं सारे, ओरिजिनल धातु के हैं तो महंगे तो रहेंगे ऑब्वियसली, उसके हिसाब से इनकी प्राइस रहेगी। जैसे ये सारे सामान, ये सब महंगे महंगे होंगे, बट कुछ ना कुछ यहाँ से मैं लेकर जाऊंगी। वाओ सच में यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेने के लिए, बहुत सुंदर है। मैं तो बार बार बस बहुत सुंदर नहीं बोलूँगी, आप बस देखते जाइए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो एक एक करके सारे सामान देखते हैं। यहाँ पे टी शर्ट्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स भी हैं। वाओ ये भी अच्छा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अरे फ्रेंड्स पता है यहाँ पे इतना ज्यादा सामान है, लेकिन सच बता रही हूँ सबसे प्यारा मुझे ये लगा, ये बैलगाड़ी बहुत ही अच्छी है, शुद्ध धातु की है। तो ये सारे सामान बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही, और लग रहे हैं इतने अच्छे हैं सारे, ओरिजिनल धातु के हैं तो महंगे तो रहेंगे ऑब्वियसली, उसके हिसाब से इनकी प्राइस रहेगी। जैसे ये सारे सामान, ये सब महंगे महंगे होंगे, बट कुछ ना कुछ यहाँ से मैं लेकर जाऊँगी। वाओ सच में यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेने के लिए, बहुत सुंदर है। बार बार बस बहुत सुंदर नहीं बोलूँगी, आप बस देखते जाइए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ से अभी हमने एक दो सामान ही लिया है। मैं चाह रही थी इयर रिंग्स लेना, क्योंकि यहाँ पे एकदम देसी इयर रिंग्स जो होते हैं ना वो हैं, जैसे कि ये लोकल लोग पहनते हैं ये सारे सामान, जितनी भी ज्वेलरी है ना यहाँ पे वैसे ही है। जैसे ये हमारे यहाँ पे लोकल लोग ये सब पहनते हैं ना, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ें यही है, तो इनमें से कुछ ना कुछ तो हम ले सकते हैं। तो मंडला में लोकल जो लोग हैं वो इस टाइप के गहने जो होते हैं वो पहनते हैं, बहुत पहले से पहनते आ रहे हैं, और आजकल ये सारी चीज़ें लुप्त तो हो गई कहना चाहिए, दिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ से जो भी अच्छा लगता है किसी को, अगर कान्हा नेशनल पार्क आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से बने हुए चीज़ बने हुए, जैसे इतने सारे स्टैचू वगैरह तो बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, कपड़े भी हैं, इयर रिंग्स है, ज्वेलरी है,
और होम डेकोरेशन के लिए मोस्टली हैंड होम डेकोरेशन के लिए सामान है यहाँ पे पूरा, बट कॉस्टली रहेगा। हमने यहाँ से एक चीज लिया है बट ये दिखा नहीं सकते ना, वो अभी अपन कैंसिल वीडियो बनाना नहीं दिखा। सब कुछ फ्लॉप हो गया फ्रेंड, सब कुछ मतलब यहाँ पे कैश लगता है और कैश हम लोग लेकर नहीं आए, यहाँ से मोचा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से कैश निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। अगर बहुत महंगी चीज़ लेते हैं तो छोटा मोटा लेते हैं 100-200 रुपए का, तो उतना चिल्लर तो हमारे पास है, लेकिन 1000 के ऊपर हाँ देख ले रही हूँ। तो फाइनली अभी हम कान्हा के एक रेस्टोरेंट पर आए, रेस्टोरेंट ढाबा बोल सकते हैं, एकदम नेचुरल है और एकदम देसी खाना खाने वाले हैं, तो देखो फिर क्या खाना जो भी मिल गया मुझे। तो अच्छा लग रहा है, तो मैं तो पूरा ये घूम रही हूँ लोग वहाँ बैठे टेबल पे, और इतना तो प्यारा लग रहा है, एक फैमिली देखने आई मैं फिर की। तो प्राची दीदी ये भी फोटोशूट करा रही है, मेरा फोटोशूट हो गया है और अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत ही दिनों बाद मैं कान्हा आई हूँ, पिछली बार मैं आई थी 2 महीने बाद पहले, तो वो दूसरा व्यू था, वहाँ पे अलग एक्सपीरियंस था, यहाँ पे अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा। जब तक खाना रेडी हो रहा है तब तक हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं, सब पेंटिंग्स क्योंकि अच्छी अच्छी है यहाँ पे। तो ये है मलाई कोफ्ते, पापड़, सैलेड, घी, कर्ड और चीनी। क्यों खट्टा दही नहीं था क्या? अरे हाथ अलग करो ना, अरे मुझे बुरा लग रहा है। और रोटी चूल्हे की रोटी गरम गरम ऐसी है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? जिसको जो भी लेना है ले लो, ले लो अपने हाथ में। ठीक है ना, नमक करना। अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ फिर जल्दी से खाना खा कर घर जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, तो सबसे पहले मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि हमें खाना खा के अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं, हमको घर भी जाना है, घर वाले के साथ भी खाना खाना है, तो ये वाला कंप्लीट करके फिर घर जाते हैं, फिर देखते हैं घर में क्या होना है।